चतरा से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नक्सलियों का एक बार फिर तांडव देखने को मिला है। चतरा में सड़क निर्माण कार्य को नक्सलियों ने ये तांडव मचाया है। नक्सलियों ने साइट पर पहुंचकर काम को बंद कराया है और फ्लोरी मशीन के टायर में गोली मारकर पंचर किया है टायर को। ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त किया है। एक बार फिर चतरा में नक्सलियों का तांडव दिखा है। सड़क निर्माण कार्य को नक्सलियों ने बंद करवाया है। नक्सलियों ने इस साइट पर पहुंचकर काम को बंद कराया है। हमारे साथ चतरा से संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, चतरा में सड़क निर्माण कार्य में एक बार फिर नक्सलियों का तांडव दिखा। नक्सलियों ने साइट पर पहुंचकर काम बंद कराया, साथ ही देखिए ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त किया है। जी अनिल, देखिए चतरा में एक बार फिर नक्सलियों का धमक देखने को मिला है, जहां कुंदा थाना क्षेत्र के करिल गढ़वा से अमाव तक लगभग 5 करोड़ के हो रहे सड़क निर्माण कार्यों को नक्सलियों ने बंद करवा दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि लगभग 20 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने इस सड़क निर्माण कार्यों को रोका है। नक्सलियों ने साइट पर पहुंचने के बाद फ्लोरिंग मशीन को टायर में गोली मारकर टायर को पहले तो पंचर किया, साथ ही एक ट्रैक्टर और जैसे भी मशीन को भी क्षतिग्रस्त करने की सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों ने जय मां अंबे कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार से मोटी रकम की लेवी मांगी थी, जिसके बाद से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही कुंदा थाना को मिली है, उसके बाद घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक पुलिस की कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए चंदन आपका शुक्रिया। तो बता दें कि सड़क निर्माण कार्य को एक बार फिर नक्सलियों ने निशाना बनाया है। नक्सलियों का तांडव दिखा है। नक्सलियों ने साइट पर पहुंचकर काम बंद कराया, फ्लोरी मशीन के टायर में गोली मारी और उसे पंचर किराया, साथ ही ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त किया है।